हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम है अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट पर। और माय नेम इज़ अभिजीत मिश्रा, आई एम योर एजुकेटर। और आज हम बात करेंगे अपने दिसंबर मंथ की। चलिए शुरू करते हैं गाइस। आपका मोस्ट वेलकम है अनअकैडमी स्टूडियो वॉल्ट पर। और टाइमिंग कल 7 AM, मतलब मंडे से 7 AM पे करंट अफेयर्स है। और अब किस एग्ज़ाम की हमें टारगेट करना है, हमें वो देखना पड़ेगा। तो RBI असिस्टेंट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लैरिकल के एग्ज़ाम्स हैं। देखते हैं दो सेशन में क्या कराते हैं आपको। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। और आप मुझे अनअकैडमी प्लस पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा प्रोफाइल आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। गाइज, आप अनअकैडमी प्लस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पेड बैचेस को। और उसके लिए आपको अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के लिए ये मेरा कोड है, AM लाइव कोड। इसके थ्रू आप एडमिशन लेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो आप जैसे भी अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, 10% का डिस्काउंट आपको मेरे कोड से मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग। आप SSC, रेलवे, UPSC, CAT या TET किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा कोड काम करेगा, AM लाइव कोड। ऐसे बच्चे जो कि बिगनर हैं, उनके लिए हमारे पास 2 साल का मॉडल है, 9,600 रुपये का। लेकिन अगर आप मेरे कोड से एडमिशन लेंगे तो ये डिस्काउंट होकर फीस आपको 8,640 की पड़ेगी, मतलब 10% का डिस्काउंट यहाँ मिल जाएगा। आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप होना चाहिए, डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए और चूज योर गोल ऑप्शन में जाकर बैंक एग्जाम पे क्लिक कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन, अंशुल पहला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए 1, 4, 3 सौरभ दास, आई एम नॉट मूवी एक्टर, आई एम मूवी, मतलब नॉट हीरो, आई एम विलन, जस्ट विलन। और आंसर की बात करते हैं, यहां पर आंसर आप लोग देख रहे हैं तो फास्टैग किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो फास्टैग रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID पर काम करता है, RFID पे काम करता है। बिल्कुल सही आंसर आपने दिया। वेयर वॉज द 7th एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका ज्वाइंट मिलिट्री आर्मी एक्सरसाइज मित्र शक्ति, ये 7th एडिशन था, ये मत भूलना। और कहां पर हुआ ये आपको बताना है। मैंग भाई, लव यू टू। 1, 4, 3 तुम लोग बचपन वाली बात कर रहे हो। अब ये नहीं सोचना कि बचपन में मैंने कुछ किया था ऐसा, मैं बता रहा हूं, मतलब पुणे महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, पुणे हमारा सही आंसर है। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच आर्म इंडस्ट्री कंपनी हैज अपॉइंटेड हरिमोहन एज चेयरमैन ऑन December 1, 2019, व्हाट इज योर आंसर। हाँ हाँ अंशुल, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, तुम समझ गए। ठीक है, ठीक है, अब आंसर की बात कर ले, इसका आंसर क्या है। आंसर इज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंशन वीक कब मनाते हैं, पेंशन वीक की बात करें। ठीक है, ठीक है, आंसर आ रहे सबके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अंकिता बोल रही है 30 to 6। शशि SR के गुड मॉर्निंग, सोनम का भी सेम आंसर है एंड आंसर इज 30 to 6, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इज ऑब्जर्व एनुअली। जिसको जिसको मेरा बर्थडे याद है उसका सही आंसर हो जाएगा। और आंसर की बात करें, जी हां बिल्कुल, 2 December, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, टू विच कंट्री इंडिया हैज कमिटेड टू प्रोवाइड ₹4,500 करोड़ फॉर इंप्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ ₹400 करोड़ फॉर ट्रांसनेशनल ट्रेड सपोर्ट फैसिलिटी। आंसर, वी हैव 5 ऑप्शंस। बैंकर बोल रहे हैं भूटान, ऋषभ बोल रहे हैं भूटान, कैलाश बोल रहे हैं भूटान एंड द आंसर इज भूटान। भूटान हमारा सही आंसर है। हाँ मयंक जी, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, भूटान हमारा सही आंसर है। टू विच कंट्री इंडिया इज सेट टू ऑफर $450 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट इन विच $400 मिलियन विल बी प्रोवाइडेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड $50 मिलियन प्रोवाइडेड फॉर काउंटर टेरर मीजर, वॉट इज द आंसर। अंकिता पॉल, मार भी खाओगी तुम गलत होगा तो, वर्चुअल थप्पड़। आंसर की बात कर ले, आंसर इज श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। श्रीलंका हमारा सही आंसर है।
हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक कितनी है, ये आपसे पूछा गया. सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से सही आंसर दीजिए. बैंकर बोल रहे हैं 80, सोनम बोल रही है 78, ऋषभ बोल रहे हैं 78. क्या इसका आंसर होगा? एंड द आंसर इज 78. ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, विच बैंक हैज ज्वाइन हैंड विथ वॉलमार्ट इंडिया टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड. वॉलमार्ट, ये तो सिंपल है. वाह रे अंशुल, वाह भाई वाह, डेनमार्क पहले पर, बहुत अच्छे. कहां थे तुम अभी तक यार? और यहां पे सोनम बोल रही है एचडीएफसी, अंकिता पॉल बोल रहे हैं एचडीएफसी, कैलाश बोल रहे हैं एचडीएफसी. एचडीएफसी इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज एंकर्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 200 मिलियन इन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज. सिंपल है, क्वेश्चन करा चुके हैं पहले भी ये सर. और इसका आंसर क्या वो देख लेते हैं. और सोनम बोल रही है आईएफसी, अन्वेषा बोल रही है आईएफसी, राठौर आनंद सिंह जी बोल रहे हैं आईएफसी. इट मींस इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इट इज अ आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक. नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टेट हैज साइंड 206 मिलियन डॉलर लोन एग्रीमेंट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक टू डेवलप वाटर सप्लाई सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन 5 सिटीज. वेरी सिंपल क्वेश्चन, कई बार हम लोग दिसंबर हम लोगों ने एग्जैक्टली पहले कर लिया है, तो इसलिए हम लोग को सारे आंसर आ भी रहे होंगे. और अधिकारी साहब बोल रहे हैं एडीबी है. अंशुल बोल रहे हैं महाराष्ट्र, मार खा जाओगे. तमिलनाडु इज राइट आंसर, तमिलनाडु हमारा सही आंसर है. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट वाज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर एज पर द क्रिसल. क्रिसल का जीडीपी ग्रोथ रेट आपसे पूछा गया है, हालांकि कल मैंने अपने सीए में ये सब इंक्लूड कर दिया था. हाँ रॉक माइकल, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया. बैंकर बोल रहे हैं 5.1, सारे बच्चे बोल रहे हैं, अधिकारी साहब बोल रहे हैं 5.3. एक गलत आंसर हमको मिल चुका है, आंसर इज 5.1, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. मैं लोगों का गलत आंसर देखता हूं. मैराथन है तो है जी, रोज 100 क्वेश्चन तो कर रहे हैं हम लोग, कितना मैराथन करवाओगे तुम लोग मुझसे. हु वॉन द प्रेस्टीजियस 12th शक्ति भट्ट बुक प्राइज 2019 फॉर इज 2018 बुक अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर. इतने दिन से मैराथन कर रहे हैं भैया. सुष्मिता गुड मॉर्निंग. चलो आंसर की बात कर लेते हैं, क्या इसका आंसर होगा. आंसर इज टोनी जोसेफ, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, What is the reason behind launching the operation Clean Art? Clean Art, ये सब क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आप लोग को. केवल IBPS क्लर्क की वजह से मेरा 3 किलो वेट कम हो गया, मेरे घर वाले मुझे अब डांटने लगे हैं. आंसर क्या होगा इसका? जी हाँ, आंसर इज टू क्रैक डाउन द इलीगल ट्रेड फॉर मैंगूज हेयर. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच कंट्री वॉज हिट बाई टाइफून टीसोए. कामोरी बोलते हैं वहां की भाषा में. और आंसर की बात कर लो, वाह वाली क्या बात है इसमें, डाइटिंग नहीं है भैया, डाइटिंग वाइटिंग नहीं है, इतना मेहनत है. जी हाँ जी हाँ, फिलीपींस की बात हो रही है, तो फिलीपींस ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द वॉल्ट ऑफ विष्णु विच इज द 6th ऑफ भारत सीरीज. चलो द वॉल्ट ऑफ विष्णु के ऑथर कौन है ये बता दो बस, सिंपल सर, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है. और आंसर की बात करते हैं, क्या इसका आंसर होगा. वी हैव 5 ऑप्शंस अगेन. और यहां पर अधिकारी साहब बोल रहे हैं अश्विन, अंशुल बोल रहे हैं प्रीतम, और सोनम बोल रही है अमीश. एंड द आंसर इज अश्विन संघई. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी डेज वॉज प्रिस्क्राइब फॉर पोर्टिंग फैसिलिटी इन द सर्विस एरिया एज पर न्यू नॉर्म्स ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो जहां पर आपको अपना टेलीफोन पोर्ट कराने में 14 दिन लग जाते थे, अब इतने दिन में ही आपका काम हो जाएगा. कुलदीप यार, अधिकारी साहब नहीं अंत तुम, विक्रम अधिकारी हमारे बहुत ब्रिलियंट होनहार स्टूडेंट हैं. और इसका आंसर क्या होगा? एंड द आंसर इज 3 डेज. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. 3 दिन में नंबर आपका पोर्ट हो जाएगा. तो अंशुल या फिर जैसे मयंक, ये जैसे जो लड़के हैं जो मतलब बात बात करने के आदी हैं कई घंटे, तो आप लोग के लिए अच्छा है ये सब. मतलब पोर्ट करा लो, 3 दिन में पोर्ट हो जाएगा, वेट भी नहीं करना पड़ेगा. विच कंट्री डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट हैज साइंड एन MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फॉर कोलाबोरेशन ऑन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी. आंसर, और आंसर की बात करते हैं, व्हाट इज द आंसर. एंड द आंसर इज यूनाइटेड किंगडम. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. यूके हमारा सही आंसर है. नेक्स्ट पॉइंट, विच कंट्री टॉप्ड इन द अंगटेट बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2019. व्हाट इज द आंसर, आंसर क्या होगा?
और आंसर की बात करें तो ठीक है, आंसर आने शुरू हो गए हैं. एंड द आंसर इज नीदरलैंड. ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. नीदरलैंड हमारा सही आंसर है. नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द अनटैट बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब इंडिया की रैंक आपसे पूछी है. नीदरलैंड ने टॉप किया है. कुलदीप अग्रवाल बोल रहे हैं 73. ठीक है, और भी आंसर आ रहे हैं. ठीक है, एंड द आंसर इज 73. ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. विच हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ मोबीविक टू ऑफर अफोर्डेबल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान. चलिए बढ़िया, अच्छा है. आराधना शर्मा जी गलत है आपका आंसर, देख लीजिएगा एक बार. संतोष रॉय जी गलत क्यों दे रहे हो जी. लोम्बार्ड बैंकर बोल रहे हैं, लोम्बार्ड सोनम बोल रही है, लोम्बार्ड ऋषभ बोल रहे हैं, आदित्य. एंड द आंसर इज आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर. अभी भी गलत तुम लोग का हो रहा है. एग्जाम है तुम लोग कल, बताओ. बाप रे बाप. हाउ मच परसेंट ऑफ द मलेरिया केसेस वॉज रिड्यूस इन इंडिया इन 2018 एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2019. अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा सब. क्या इसका आंसर होगा, ये मैंने अपने पेड बैच में पढ़ाया सारा चीज, मैं देख रहा हूं किसका क्या गलत हो रहा है, बदला लिया जाएगा सबसे. रॉक माइकल 35 नहीं है बेटा. जी हाँ, आंसर इज 28%. ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर. विच ग्रामीण बैंक हैज इंटर्ड इनटू एन एमओयू विथ कैनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फॉर बैंक इंश्योरेंस. व्हाट इज द आंसर, जल्दी से आंसर दो. हाँ ठीक है, मीनू सही है आंसर, अन्वेशा सही है आंसर, सारे बच्चों के आंसर अभी तक तो ठीक है. ठीक है ठीक है, आंसर इज कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक. ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टेट रिसीव द नेशनल अवार्ड फॉर एक्सलेंस फॉर रिहेबिलेशन ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज फॉर द बेस्ट स्टेट इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन. व्हाट इज द आंसर, कुलदीप अग्रवाल जी. हाँ, स्टैंप के लिए तो स्टॉक होल्डिंग के साथ एग्रीमेंट हुआ था. फिलहाल आइए आंसर की बात कर लेते हैं. और यहां पर सारे बच्चे बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश, मैं सामने एक बार आ जाऊं. उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर, मेरे स्टेट. तुम लोग हमेशा मेरे स्टेट को बुरा बोलते हो, देख लो. नेक्स्ट पॉइंट, नेम द फर्म विच डेवलप द वर्ल्ड लोएस्ट डोज वॉल्यूम रोटा वायरस वैक्सीन कॉल्ड रोटवैक 5D दैट प्रिवेंट रोटा वायरस डायरिया इन यंग चिल्ड्रेन. मैंने पढ़ाया वैसे इसे. चलिए चलिए आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा, मिर्जापुर. और हाँ ठीक है, आंसर सही आ रहे हैं, सारे बच्चे अभी तक सही आंसर दे रहे हैं. ठीक है, आंसर इज भारत बायोटेक. याद रखना वेंकैया नायडू जी ने इसे रिलीज किया था. नेक्स्ट पॉइंट, विच कंट्री वॉज अवॉर्डेड विथ 2019 मैरिलबोन क्रिकेट क्लब क्रिस्टोफर मार्टिन जैक्सन स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड फॉर द स्पोर्ट्समैनशिप. हरवा दिया फाइनल में और अवार्ड दे दिया. और ऋषभ बोल रहे हैं न्यूजीलैंड. ठीक है, सारे बच्चे बोल रहे हैं न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट, नेम द मेड इन इंडिया फास्ट इंटरसेप्टर वेसल दैट वॉज गिफ्टेड बाई इंडिया टू मालदीव. हम लोगों ने परसों बात की थी एनी बेसेंट की, कल हम लोगों ने बात की थी कौर वाली, और आज हम बात कर रहे हैं किसकी. आंसर दीजिएगा क्या इसका आंसर होगा. और बैंकर इज राइट, अन्वेषा सही है, मीनू सही है. ठीक है, सारे बच्चे लगभग सही आंसर दे रहे हैं. एंड द कामयाब ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर. वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट गंगा सेंट्रलाइज्ड एक्वालैब लिट, मतलब भारत का पहला गंगा सेंट्रलाइज्ड एक्वालैब कहां पे बन रहा है, ये आपसे पूछा गया. और आंसर की बात कर लेते हैं. ठीक है जल्दी जल्दी, मीनू बोल रहे उत्तराखंड, बैंकर बोल रहे देहरादून. ठीक है ठीक है ठीक है, एंड द आंसर इज देहरादून. ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर, देहरादून हमारा सही आंसर है. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द फिक्स मेच्योरिटी ऑफ इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भारत बॉन्ड ETF. भारत बॉन्ड ETF के बारे में बात कर रहे हैं. इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा. मैंने बहुत बहुत डीप जाकर इसे पढ़ा दिया है अपने बैचेस में. इसमें AAA रेटिंग होती है, याद रखना AAA रेटिंग होती है. हाँ, तीन साल और दस साल AAA रेटिंग के ये बॉन्ड है. एल्डरविस इसका मतलब वो है, आप कह सकते हो कि ब्रोकर है एल्डरविस मैनेजमेंट कंपनी. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मच अमाउंट वॉज पेनलाइज्ड फॉर कंपनी एग्जीक्यूटिव हु वायलेट प्राइवेसी नॉर्म्स एज पर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल. तो पर्सनल डेटा का मतलब जैसे जो नहीं हमारा डेटा होता है, हमारा जैसे हमने अमेजन पे क्या सर्च किया इसकी इंफॉर्मेशन किसी को जानी चाहिए, हमने फेसबुक पे क्या लाइक किया क्या डिसलाइक किया. तो ठीक है, आंसर भी सही आ रहे हैं, आंसर भी सही आ रहे हैं. कुछ लोग गड़बड़ आ रहे हैं.
और इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज 15 करोड़ रुपए या फिर 4% ऑफ एन एंटिटी ग्लोबल रेवेन्यू, उस कंपनी का जो ग्लोबल रेवेन्यू उसका 4%। तो देख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट, विच टू कंट्री ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट फॉर कोऑपरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट इन द फील्ड ऑफ रेलवे वॉज अप्रूव्ड ऑन 4 दिसंबर। कैबिनेट अप्रूवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये सब नई चीजें ही है। आंसर देखिएगा, ऋषभ बोल रहे हैं इंडिया जर्मनी, अधिकारी साहब बोल रहे हैं यूके इंडिया, अंकिता बोल रही है जर्मनी जर्मनी। देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखो और इसका आंसर इंडिया एंड जर्मनी होगा। फील्ड ऑफ रेलवे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट इन द फील्ड ऑफ रेलवे, अगर ऐसा है तो इंडिया एंड जर्मनी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, विच कंट्री इलेक्शन कमीशन हैज साइंड एन एमओयू विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इलेक्टोरल मैनेजमेंट, ये तो आप लोग बता देंगे। ध्यान से, और अंकिता बोल रही है मालदीव, स्वरूप बोल रहा है मालदीव, स्वाति बोल रही है मालदीव, एंड द आंसर इज मालदीव, ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। विच कंट्री टॉप्ड इन द जर्मन वॉच 15th एडिशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये तो आप लोग बता देंगे, मुझे पता है, गलत मत आंसर देना, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं आंसर। और अधिकारी साहब बोल रहे हैं जापान, सुनील बोल रहे हैं मेडागास्कर, अंगिता बोल रही है जापान जापान जापान, सारे बच्चे बोल रहे हैं जापान, जापान इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द जर्मन वॉच, मतलब वही ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी, ये आपसे पूछा गया। प्रशांत शुक्ला ने बोला 5वीं रैंक है, अंशुल बोल रहे हैं 5वीं रैंक है, क्या ये सही आंसर है, देख लेते हैं। और प्रेरणा बोल रही है 5, सारे बच्चे बोल रहे हैं 5, आंसर इज 5, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। व्हाट इज द जीडीपी ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 1920 एज पर द 5th बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी रेट, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, आप लोगों को इसका आंसर पता है, आरबीआई के हिसाब से जीडीपी कितनी होगी, बिल्कुल सही, नहीं अभी तो 5 आप लोग बोल रहे हो, ठीक है, और सारे क्वेश्चन मिक्स हो जाएंगे क्योंकि 5 इसका भी आंसर है, 5 इज राइट आंसर, 5%, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, नहीं नहीं 5.1 नहीं है, 5% है। विच फर्म हैज पार्टनर्ड विथ आईडीएफसी बैंक एंड यस बैंक टू ऑफर फास्टैग टू ट्रक फ्लीट ओनर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आईडीएफसी और यस बैंक के साथ था ना, हाँ यस बैंक के साथ किसने एग्रीमेंट किया, चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। ऋषभ बोल रहा है ब्लैकबक, अन्वेषा बोल रही है ब्लैकबक, सारे बच्चे बोल रहे हैं ब्लैकबक, ब्लैकबक इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च माई हेल्थ वुमेन सुरक्षा पॉलिसी, अ कंप्रेहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम स्पेशली डिजाइन फॉर वुमेन, बता देंगे आप लोग आराम से, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अंकिता पॉल बोल रही है एचडीएफसी, निकिता बोल रही है एचडीएफसी, सारे बच्चे बोल रहे हैं एचडीएफसी, एंड द एचडीएफसी इज राइट आंसर, एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट, नेम द स्टेट दैट वॉज बेस्टाउन विथ बेस्ट स्टेट अवार्ड इन कैटेगरी ऑर्गन डोनेशन फॉर द 5th टाइम बाई नोटो मींस नेशनल ऑर्गन, अच्छा ठीक है ये तो कर लेंगे आप लोग, सिंपल है ये भी सिंपल है। और ऋषभ बोल रहे हैं तमिलनाडु, अन्वेषा बोल रहे हैं तमिलनाडु, निधि बोल रही है तमिलनाडु, एंड द आंसर इज तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव टू क्रिएट लैंड बैंक्स इन रूरल एरियाज फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बता देंगे आप लोग, मैंने इसे ये क्वेश्चन मैंने अपने मॉक टेस्ट में कराया और मैंने बस लैंग्वेज चेंज की हुई थी, देख लेते हैं आंसर आप लोग दे पाते हैं कि नहीं वैसे। और ऋषभ पंजाब, अंगिता पंजाब, स्वरूप पंजाब, निधि बोल रही है असम, एसआरके बोल रहे हैं असम, एसआरके मार खाने वाले हैं, आंसर इज पंजाब, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। हाउ मच अमाउंट वॉज सैंक्शन बाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर सेटिंग अप वुमेन हेल्प डेस्क इन पुलिस स्टेशन इन ऑल स्टेट एंड यूटी अक्रॉस द कंट्री, तो गाइज आपको ये पता है, पढ़ाया भी गया है, सिंपल क्वेश्चन है। अन्वेषा 100 करोड़, अंगिता 100 करोड़, नम्रता सिंह 100 करोड़, एंड द आंसर इज 100 करोड़, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। निर्भया फंड से दिया गया है, ठीक है। वेयर वॉज द 4th वर्कशॉप ऑन मैनेजमेंट ऑफ हीट वेव 2020 हेल्ड, करा दिए क्वेश्चन पहले भी है, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। अंकिता बोल रही है बेंगलुरु में हुआ, अच्छा। ऋषभ बोल रहे हैं बेंगलुरु, स्वरूप बोल रहे हैं बेंगलुरु, अन्वेषा बोल रही है बेंगलुरु, अधिकारी साहब बोल रहे हैं जयपुर, अधिकारी साहब गलत हो गया, बेंगलुरु इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। हु विल हेड द 14 मेंबर पैनल टू स्टडी इशू रिलेटेड टू ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक्स कॉन्टेंट ऑन द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ध्यान देना राज्यसभा ने यह कमेटी बनाई है, अगर मान लो क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया किसने बनाई तो राज्यसभा ने, और कांग्रेस के जयराम रमेश जी जो हैं वो इसको लीड करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। टू विच कंट्री इंडिया हैज एक्सटेंडेड 1 लाइन ऑफ क्रेडिट एंड 2 सोलर प्रोजेक्ट, किस देश को,
ए वन लाइन ऑफ क्रेडिट एंड टू सोलर प्रोजेक्ट दिया इंडिया ने, नाइजीरिया, गिनी, लाइबेरिया, सीरिया लियोन, नन ऑफ दीस। अधिकारी साहब बोल रहे कि नहीं, ऋषभ भी बोल रहे हैं, बैंकर बोल रहे हैं, नाइजीरिया, प्रशांत शुक्ला बोल रहे हैं गिनी, एंड द आंसर इज गिनी, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। वेयर वॉज द 33rd इंटरनेशनल बुक फेयर फॉर द ईयर 2019 हेल्ड? इंडिया यहां पर वो था, गेस्ट ऑफ ऑनर था। चलिए आंसर दीजिएगा, मेरे ख्याल से आप लोग बता लेंगे, सिंपल है, पढ़ाया भी गया अभी कुछ दिन पहले ही आप लोग को। एंड द आंसर इज मैक्सिको, मैक्सिको ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। वेयर वॉज द सेंट्रल इंडिया फर्स्ट अवंती मेगा फूड पार्क इनॉग्रेटेड बाई हरसिमरत कौर बादल जी? टोटल 150 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट आई थी, 150 करोड़ रुपए, ये भी याद रखिएगा। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा देवास, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर थ्री, देवास हमारा सही आंसर है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज साइंड एमओयू विथ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी टू स्प्रेड कस्टमर अवेयरनेस एंड इन्वेस्टर एजुकेशन? पढ़ा चुके हैं ये भी, आंसर दिए, सही आंसर दिए, क्या आंसर होगा? मतलब मुझे सारे क्वेश्चन याद हो गए यार, मुझे ऐसा लग रहा है पहली बार ऐसा हुआ है। और बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। सिडनी थोड़ा तेज आंसर दो बेटा। आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2019 इज गिवन टू किसको दिया जाता है? डॉक्टर्स को, सोशल सर्विस, नर्सेस, पॉलिटिशियन? व्हाट इज द आंसर? बॉब हो गया ना, अब ये आंसर दो भैया। एंड द आंसर इज नर्सेस, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर, नर्सेस हमारा सही आंसर है। विच बैंक हैज अपॉइंटेड राजेंद्र चिन्ना वीरप्पन एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ 4 दिसंबर 2019? व्हाट इज द आंसर? ठीक है, पढ़ाए हैं ये भी, सिंपल क्वेश्चन है, देख रहे हैं तुम लोग आंसर। हाँ अंकिता, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया। और अन्वेषा, सही आंसर है कैथोलिक सीरियन बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर, कैथोलिक सीरियन बैंक। नेक्स्ट पॉइंट, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड कलेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना प्रगति रथ रथम? तो आंसर दीजिए, ये भी बुक हम लोग कर चुके हैं, दिसंबर हम लोग अच्छे से किए हैं, बहुत अच्छे से किए हैं, तो हमें, हम लोग को सारे क्वेश्चन के आंसर भी आ रहे हैं। कुलदीप अग्रवाल बोल रहे हैं, श्रीधर, सुरुचि भी वही बोल रही हैं, ठीक, ऋषभ भी यही बोल रहे हैं, एंड द आंसर इज श्रीधर राव, ऑप्शन नंबर थ्री इज राइट आंसर। हाउ मेनी एमओयूज वेयर साइन बिटवीन इंडिया एंड द स्वीडन ड्यूरिंग स्वीडन किंग चार्ल 26 गुस्ताफ फोल्क एंड क्वीन सिल्विया? आंसर दीजिए, क्या इसका आंसर होगा? कुलदीप बोल रहे हैं तीन, अधिकारी बोल रहे हैं तीन, सौरभ दे बोल रहे हैं सेवन, और सारे बच्चे थ्री ही बोल रहे हैं मैक्सिमम आंसर, एंड थ्री इज राइट आंसर। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड एन्युटी बेस्ड 14 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इनॉग्रेटेड? इन्हीं ने इनॉग्रेट किया था, स्वीडन के जो ये किंग एंड क्वीन थे, इन्होंने ही इनॉग्रेशन किया था, क्या इसका आंसर होगा? देख लीजिएगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, अरे बहुत अच्छे बच्चे तुम लोग, कैसे इतने तेज हो गए हो। सराई विलेज इन हरिद्वार उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। विच पुलिस स्टेशन बिकम द बेस्ट परफॉर्मिंग पुलिस स्टेशन अक्रॉस द कंट्री फॉर द ईयर 2019? ये भी आप लोग बता लेंगे, सिंपल है, बता लेंगे आप लोग। चलिए आंसर दे, क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है, ठीक है, अधिकारी साहब बिल्कुल सही आंसर आपने दे दिया है, आंसर इज एबरडीन पुलिस स्टेशन अंडमान निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट पॉइंट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑन दिसंबर 6, 2019? चेयरमैन ऑफ NSE, चेयरमैन ऑफ NSE कौन बन गया है, ये आपसे पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। और आंसर की बात करें, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इनेबल स्टार्टअप ट्रैक एक्सेलरेशन प्रोग्राम टू सपोर्ट द टेक्नोलॉजी लीड स्केलेबल एंड इन्वेस्टेबल ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मीनू बोलिए पंजाब, क्या ये सही आंसर है? और देख लेते हैं, स्वरूप पंजाब बोल रहे हैं, ऋषभ पंजाब बोल रहे हैं, अंशुल गुजरात बोल रहे हैं, अंशुल का गलत हो गया, पंजाब इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर वॉज द फर्स्ट एवर ह्यूमन लाइब्रेरी चैप्टर टू अ कॉन्सेप्ट दैट सीक टू रिप्लेस बुक्स विथ ह्यूमन हेल्थ? मतलब ये इवेंट कहां पर हुआ था, ये मैं पहले ही पूछ चुका हूं आप लोगों से, सही आंसर आपको दे लेंगे। स्वाति बेटा गुजरात नहीं है,
Mysore. Mysore is right answer. Option number 3 is right answer. Which state UT hosts the second edition of the Startup India Global Venture Capital Summit? ये तो आप लोग बता ही लेंगे, simple question है. जल्दी से आंसर दे. मीनू बोल रही है गोवा, प्रशांत शुक्ला बोल रहे हैं गोवा. गोवा इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. नेम द न्यू लोन सर्विस ऐप लॉन्च बाय Xiaomi इन एसोसिएट विथ जीस्ट मनी, थ्रू विच कस्टमर कैन गेट इंस्टेंट लोन. रेंज क्या है? 7,000 से 1,00,000 रुपीज. Xiaomi ने जीस्ट मनी के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट, मतलब एक लोन, एक वो शुरू किया है. एम आई क्रेडिट. एम आई क्रेडिट ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. एक क्वेश्चन का मेरे आंसर दो. रियल, रियल नहीं, एक रियल आती है, वो आता है मोबाइल, आता है चाइना का ही है, आप लोगों ने यूज किया होगा, रियल नाम है ना शायद. तो उसने भी मिलकर ओप्पो के साथ मिलकर एक यही चीज शुरू की है, उसका नाम क्या है? मैंने अपने पेड बैच में तो पढ़ाया, क्या आप लोग को मालूम है? जरा मुझे बताइए. मैंने क्वेश्चन आपसे भी पूछा है कि जो नहीं एक रियल आता है, फोन आता है, आप लोगों ने, हाँ रियल में, हाँ रियल में, ठीक है. हाँ ऋषभ शर्मा, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया. MI पैसा नहीं बेटा, Realme पैसा नाम है उसका. RealMe पैसा, ये है पूरा नाम इसका, याद रखिएगा. ये भी, ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. प्रदीप जी मैंने ही बता दिया, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फॉर द PDF. टू विच कंट्री इंडिया एक्सिम बैंक हैज प्रोवाइडेड 500 मोबाइल 500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर डिफेंस रिलेटेड प्रोक्योरमेंट. हाँ फिनशेल के साथ. फिनशेल एग्जैक्टली में ओप्पो की कंपनी है स्वरूप. और यहां पर सारे बच्चे बोल रहे हैं बांग्लादेश, तो क्या बांग्लादेश सही आंसर होगा? तो जी हां, बांग्लादेश हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. वेरी गुड. नेक्स्ट पॉइंट. नेम द बॉलीवुड एक्ट्रेस हु वॉज ऑनर्ड एट द फेस्टिवल इंटरनेशनल डू फिल्म डी मार्केट 2019. चलिए आंसर दें. और अधिकारी साहब बोल रहे हैं दीपिका, सब लोग अपने अपने फेवरेट एक्ट्रेस से ना बोलेंगे अभी यहां पर देखना. प्रियंका चोपड़ा. अच्छा ठीक है, आंसर की बात कर लें. प्रियंका चोपड़ा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. हु हैज ऑनर्ड विद द गंगाधर नेशनल अवार्ड 2019 विच इज बेस्टाउन इन द रिमेम्बरेंस ऑफ रिनॉर्ड पोएट गंगाधर मेहर. चलिए आंसर दे दीजिए इसका भी. क्या इसका आंसर हो सकता है देखते हैं दोस्तों यहां पर. और यहां पे अन्वेषा बोल रही है विश्वनाथ, और रेणुका बोल रही है तिवारी. ये लोगों ने बांटा हुआ था कि विश्वनाथ तुम बोल दो, तिवारी हम बोल देंगे. आंसर इज विश्वनाथ प्रसाद तिवारी. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. सही है. हु वॉज इलेक्टेड एज द 46th प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड हु बिकम द वर्ल्ड यंगेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर एट द एज ऑफ 34. संदीप अभी बेसिक से हमने स्टार्ट नहीं किया है, अभी आज के बाद हम डिसाइड करते हैं क्या कि कैसे कब करना है हमें. एंड द आंसर इज सना मरीन. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. टू विच कंट्री सी सुगंध राजाराम वाज अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑन 6 दिसंबर 2019. जल्दी से तुम लोग सना के बाद अपने आईज में दिल क्यों बना ले रहे हो, क्या बात है? पढ़ लो पढ़ लो, चलो पढ़ लो. And the answer is Ghana. Option number 1 is right answer. Very good. Next point. 35th Charter Day of South Asia Association for Regional Cooperation is celebrated on. Kya iska answer hoga? And the answer is 8 December. Option number 4 is right answer. Nahi, Big Boss wali sana nahi. Chaliye, next question. By which year Prime Minister of India Shri Narendra Modi announced to set up 400 new Eklavya model residential school across the country? जल्दी से जल्दी से. कमल सिंह बोल रहे हैं 2022-23. ठीक है, आंसर इज 22. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. वेयर वॉज द 20th एडिशन ऑफ जियो स्मार्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस 2019 हेल्ड? 20वां एडिशन जियो स्मार्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस ये कहां पर होगा ये आपसे पूछा गया. बैंकिंग का अभी बेसिक से नहीं पढ़ा रहे हैं, आज के बाद सब डिसाइड करेंगे क्योंकि कल IBPS क्लरिकल का एग्जाम कंप्लीट हो रहा है. ठीक है. एंड द आंसर इज हैदराबाद तेलंगाना. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. तुम लोग बिग बॉस देख रहे हो क्या यार इस क्रूशियल टाइम में भी?
पढ़ाई कर लो भैया फिर देखना बिग बॉस. What is the rank of India in the United Nations Development Program Human Development Report 2019? Beyond income, beyond average, beyond today. Inequality in human development in the 21st century. चलिए आंसर दीजिए. ठीक है आंसर आने शुरू हो गए. आंसर इज 129. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. By how much percent global arms sales were raised in 2018 as per the CIPRI report? CIPRI की report के हिसाब से बता गया कि 2018 में ग्लोबल आर्म सेल्स कितने परसेंट इंक्रीज हो गए हैं. हाँ सिमनी तुम मत ध्यान रहो बेटा, तुम अच्छी लड़की हो, मत ध्यान रहो. प्रेरणा बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. ठीक है आंसर इज 4.6%. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. विच कंट्री टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रेन फॉर मीजल्स फॉर द ईयर 2018 एज पर द रिपोर्ट टाइटल्ड. ठीक है इतना डीप में हमें जाना ही नहीं है, आप क्वेश्चन देख लो, समझ लो, आंसर दो. हाँ कुलदीप जी बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं, इसका आंसर दीजिए. अब मैंग अग्रवाल आप देखते हैं? हाँ देखिए देखिए, अच्छी बात है. अंजन जी सफेद झूठ मत बोलो यार. आंसर इज नाइजीरिया. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर नॉट वैक्सीनेटेड फॉर मीजल्स इन इंडिया फॉर द ईयर 2018 एज पर द रिपोर्ट टाइटल्ड. ठीक है आंसर दीजिए. कितने लोग को मीजल्स का वैक्सीन नहीं लगा? तुम लोगों ने लगवाया कि नहीं लगवाया मीजल्स का वैक्सीन? हाँ अंकिता ठीक है आंसर दो. हाँ अन्वेषा ठीक है ठीक है. आंसर इज 2.3 मिलियन. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. 2.3 मिलियन. व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड्स फॉर विच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैज लॉन्च इंटरेस्ट रेट ऑप्शन मैच्योरिटी इन द ईयर 2029 विच कूपन रेट ऑफ 7.26% एंड 6.45%. मैंने ये पढ़ाया हुआ है, आंसर दीजिएगा. ठीक है आंसर इज 10 ईयर है. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. विच कंट्री वॉज बैन टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर 4 ईयर बाई वाडा. तो ये भी आपको पता ही है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है इसमें. एंड द आंसर इज रशिया. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. रशिया हमारा सही आंसर है. नेम द इन्वेंटर ऑफ यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड और बारकोड हु पास्ड अवे इन द यूएस. प्रेरणा जो 3 साल आप पूछ रही हैं वो भारत बॉन्ड के लिए ना, भारत ETF के लिए है ना, वो तो इतना जल्दी मत भूलो यार. एंड द आंसर इज जॉर्ज जोसेफ लॉरर. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. हु ट्रांसलेटेड द अबिंद्रनाथ टैगोर बुक नालक फीचरिंग द जर्नी ऑफ लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा. एंड द आंसर इज उर्बी भडूरी. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट. विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव टू सेल द वॉटर ऑफ रिवर यमुना. वॉटर ऑफ रिवर यमुना, अपने हिस्से का यमुना का पानी ये स्टेट बेचेगा. वी हैव 5 ऑप्शंस. एंड द आंसर इज हिमाचल प्रदेश. ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर. हिमाचल प्रदेश हमारा सही आंसर है. हाँ संदीप जी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अभी लास्ट में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दे रहा हूं अपना. ठीक है बने रहे हमारे साथ. Which state cabinet clears a proposal to set up 218 new fast track court out of which 144 court will hear cases of rape and 74 court will hear cases under the protection of children. मुझे फिर से सामने आना पड़ेगा एक बार, लेकिन अब नहीं आऊंगा. Answer is उत्तर प्रदेश. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. यूपी, उत्तर प्रदेश बन रहा है उत्तर प्रदेश, और हम लोग फ्यूचर के पॉलिटिशियन भी हैं उत्तर प्रदेश के, तो बनेगा ही. Which state has distributed India's first पशु किसान क्रेडिट कार्ड to 101 animal farmer to promote animal husbandry and agri businesses. चलिए आंसर दीजिए. हाँ सामने अब बैठ गया हूं मैं थोड़ा सा, अब मेरे मतलब हड्डियों में दर्द हो जाता है उठते समय, तो मैं उठता नहीं हूं. आंसर इज हरियाणा. ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर. हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन वॉज डिसबर्स बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एज ऑन नवंबर 1, 2019. वॉट इज द आंसर? जल्दी से. ठीक है आंसर इज 10.24 लाख करोड़. ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट पॉइंट. विच सिटी सेट टू होस्ट द 17th एडिशन ऑफ बायो एशिया 2020 विद द थीम टुडे फॉर टुमारो. ये थीम एग्जाम में पूछी जा सकती है, फिलहाल ये क्वेश्चन भी हो चुका है, लेकिन थीम आपको पता होनी चाहिए, तो इसका आंसर मैं दिखा दे रहा हूं. हैदराबाद तेलंगाना, थीम याद रखिएगा दोस्तों बस. नेक्स्ट पॉइंट.
नेम द पार्टनर कंट्री ऑफ 17th एडिशन ऑफ बायो एशिया 2020, ये बताइए आंसर। हाँ मयंक बुड्ढे हो गए भाई, बड़े खुश हो रहे हो तुम मेरे बुड्ढे होने से, मेरे बुड्ढे होने तुम क्यों खुश हो रहे हो? What is the answer? Answer is Switzerland. Option number 2 is right answer. Next point. Under which scheme 65 lakh patients avail treatment worth rupees 9549 crore as on the December 5, 2019. We have 5 options. Pradeep bol rahe hain abhi to meri ye 40 hui nahi hai, 40 ho gayi hai, main 41 saal ka hu. आंसर की बात कर लें, आंसर इस आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, याद रखिए ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी मॉन्यूमेंट वेयर रिकॉग्नाइज एज द मस्ट सी मॉन्यूमेंट बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ रहा है, पेपर मैंने आउट कर दिया, पेपर सेट मैं ही करता हूं, तुम लोग को मालूम ही है। अच्छा ठीक है, एंड द आंसर इज 138, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, 138 इज राइट आंसर। Which city top in the list of Euromonitor International Top 100 City Destination of 2019? ये तो मालूम बता ही देंगे आप लोग आंसर। And the answer is Hong Kong, option number 1. Hong Kong is right answer, option number 1 is right answer. क्वांट का आउट नहीं कर पाएंगे, क्वांट हमें खुद ही नहीं आती, हम कहां से आउट करें क्वांट को। नेम द इंडियन सिटी दैट टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ यूरोमॉनिटर इंटरनेशनल टॉप 100 सिटी डेस्टिनेशन ऑफ 2019 अमंग अदर इंडियन सिटीज एंड रैंक 11th ग्लोबली। जिसको भी पेपर चाहिए, हाँ 501, मनीष बिल्कुल सही भाई, मनीष भाई 501 पेटीएम कर दो पूरा पेपर आउट, 50 में कम से कम 35 करके आओगे गारंटी। 501 आंसर इज दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दिल्ली 11वें नंबर पे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोग मुझे जरा बताइए। विच एंटिटी हैज पार्टनर्ड विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फॉर 20,000 बैंकिंग बिजनेस करेस्पॉन्डेंट। हाँ तो मीनू तुम भेज के तो देखो 500 रुपए कम है तो भेजो। हाँ अंकिता, हाँ बिल्कुल 40 से ऊपर ही करना है। सौरभ भी गरीबी आ गई मेरे पास भी। वकरंगी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 20 एज पर एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये तो आपको कल ही मैंने अपने सीए में करा दिया था, इट्स नॉट ब्राइब, ये तो गुरु दक्षिणा है बेटा। मयंक तो 5,000 एक छोड़ी ना लेंगे। एंड द आंसर इज 5.1%, ऑप्शन नंबर 3। अरे यार तो लो ब्राह्मण है वही बात करेंगे ही दक्षिणा वाली। विच फर्म हैज पार्टनर्ड विथ अग्नि, अग्नि का फुल फॉर्म देख लीजिए, टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अक्रॉस इंडस्ट्री। बैंकर तुमको बहुत पता है मीनू, पेपर नहीं तब भी, मतलब तब भी तुम लोग श्रद्धा भक्ति है अपनी अपनी। जी हाँ आंसर इज डुपॉन्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, Which state government has won the World Habitat Award for its Jaga Mission? ये भी पता है आप लोगों को, अच्छा पता है। Answer is Odisha, option number 3 is right answer. ध्यान देना बेटा, गोल्ड अवार्ड पूछेगा तो कर्नाटका है, गोल्ड अवार्ड में कर्नाटका को भी अवार्ड मिला, ध्यान देना। Who was appointed as the brand ambassador of the Puma? Puma का brand ambassador, तो ये तो पता ही हो आप लोगों को, सिंपल क्वेश्चन है। Answer is Sunil Chhatri, option number 2 is right answer. Who was appointed as the brand ambassador for food and beverage company PepsiCo? तो ये भी सिंपल ही तो है। Answer is Salman, Salman Khan, Salman Khan, option number 3 is right answer. Name the world first fully electric commercial aircraft that was test flight recently in Vancouver, Canada. ये question मैं आपसे पूछ चुका हूं लेकिन दूसरी भाषा मैंने पूछा था, ठीक है। आंसर आंसर इज DHC-2 डी हेवेलियर बीवर, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ 13th एडिशन ऑफ द साउथ एशियन गेम्स ऑफिशियली नोन एज, आपको बताया गाइस साउथ एशियन गेम्स में इंडिया ने टॉप किया था मेडलिस्ट में, नेपाल में ये इवेंट हुआ था, मैस्कॉट का नाम आपको बताना है, मैस्कॉट क्या था, मैस्कॉट। एंड द आंसर इज ब्लैकबक, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन,
On which day UNICEF Day was celebrated? UNICEF Day. UNICEF Day के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आंसर दीजिएगा. And the answer is December 11. Option number 4 is right answer. Name the airline which flagged off its flight operation to Guwahati, Dimapur, Imphal under Udan regional connectivity schemes. तो ये जो एयरलाइन कंपनी है ये एयर इंडिया की सब्सिडरी है, एयर इंडिया की सब्सिडरी है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है एलियंस एयर. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. वेयर वॉज द फोर्थ एडिशन ऑफ इंटरनेशनल सेमिनार कम एग्जीबिशन ऑन नेवल वेपन सिस्टम NAVARMS 19 हेल्ड? स्पाइसजेट नहीं है जी, कंचन. And the answer is New Delhi. Option number 3 is right answer. What is the increase authorized capital of India Infrastructure Finance Company Limited from rupees 6000 crore as per the cabinet approved on December? Answer dijiyega. Shivani bol rahi 25000 crore, Rishabh bhi wahi bol rahe hain 25000 crore. Option number 2 is right answer. Which government agency has given authorization to set up Infrastructure Investment Trust to monetize national highway project? ये government agency Infrastructure Investment Trust बनाएगी, एक तरह का mutual fund है जिसमें पैसे लगेंगे infrastructure के लिए. Answer is National Highway Authority of India. Option number 3 is right answer. India and Japan has signed a MOU in which of the following fields that was approved by cabinet? India और Japan की बात हो रही है. India और Japan. And the answer is steel sector. Option number 3. Steel sector. Option number 3 is right answer. Anvesha, very good. बहुत बढ़िया. Next one. On December 11, Union Cabinet has approved the agreement between India and Brazil in which of the following field? India and Brazil. India and Brazil की हम बात कर रहे हैं, guys. Answer is social security. Option number 4 is right answer. Pallavi, हमारे Telegram channel पे आपको PDF थोड़ी देर में मिल जाएगा, हमारे Telegram channel join कर लीजिए. Which is set to become the world newest nation after 98% of voters had backed independence from Papua New Guinea in its election? ये एक नया देश बन जाएगा. जी हाँ, answer is Bougainville. Option number 3 is right answer. Very good, बहुत बढ़िया. Name the application that won the Copernicus Master Award, also called Space Oscar 2019, under the Social Entrepreneurship category. Which application? पढ़ाया है सब मैंने. प्रदीप बोल रहे हैं कभी पेड़ वाली पीडीएफ भी अपलोड कर लीजिए. Answer is Zuri. Option number 1 is right answer. Zuri हमारा सही answer है.